जिन किसानों के घर जेवर एयरपोर्ट के एरिया में आए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने 700 भूखंड और विकसित कर लिए हैं, जिन्हें 25 मार्च 2021 यानी आज इन भूखंडों को लाभार्थी परिवारों को दिए जाएंगे। जेवर में एयरपोर्ट बनने से लगभग 3627 परिवार प्रभावित हैं, जिन्हें अब जेवर बांगर में प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। करीब 50 हेक्टेयर जमीन पर प्रभावित परिवारों के लिए प्लॉट आवंटित किए जाने हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन न्यू प्लॉटों में आधुनिक सुविधाएं डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सेक्टरों का निर्माण कर जरूरी सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, सीवरेज, पीने के लिए पानी, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी हाउस, धार्मिक स्थल और चिकित्सक जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यमुना अथॉरिटी ने 700 प्लॉट तैयार करके जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। इन प्लॉटों को फिलहाल नगला छीतर गांव के किसानों को आवंटित किया जाना है, जो 25 मार्च यानी आज इन प्लॉटों को लाभार्थियों को सौंपा जा सकता है, ऐसी खबर है। यमुना अथॉरिटी प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले प्लॉटों का काम तेजी से करा रही है, जिन्हें समय पर तैयार करके प्रशासन को सौंप देगी। इससे पहले 6 मार्च को यमुना अथॉरिटी 240 प्लॉट जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। उन प्लॉटों को नगला गणेशी गांव के प्रभावित किसानों को 238 प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं। अब किसान इस नई जमीन पर अपना घर बनाएंगे, जिसके लिए सरकार किसानों को घर का निर्माण करने के लिए कुछ राशि भी मुहैया करा रही है। न्यू नोएडा की हर खबर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के 80 गांव को लेकर न्यू नोएडा बसाए जाने की खबर हो या यमुना विकास प्राधिकरण की कोई न्यूज हो, हम आपको सटीक जानकारी मुहैया करा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।